ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद उनके फैंस भी हैरान हैं। ऐश्वर्या अब अपने ससुराल में नहीं रहती, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि जलसा में अमिताभ, जया अपनी बेटी श्वेता की फैमिली के साथ रहते हैं। यहाँ बिग बी की इकलौती बहुरानी अब नहीं रहती और यही वजह है कि फैमिली मैनबन की खबरें आती हैं। बच्चन फैमिली के अलावा खबरें ये भी हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, दोनों के तलाक लेने की अफवाहें भी सामने आ चुकी हैं। अब इन्हीं खबरों के बीच ऐश्वर्या लगभग 7 महीने बाद अपने ससुराल यानी अमिताभ बच्चन के घर जलसा पहुंची। इस दौरान उनकी बेटी आराध्या भी उनके साथ नजर आई। इन 7 महीनों में कई त्योहार आए, घर के सदस्यों का जन्मदिन भी, लेकिन ऐश्वर्या जलसा में नजर नहीं आई। ऐसे में इतने टाइम बाद ऐश का वहां जाना चर्चा में है। ऐश्वर्या राय अपनी गाड़ी से जलसा पहुंची थी, इस दौरान उन्हें ग्रीन कलर के आउटफिट में देखा गया। खुले बाल और सनग्लासेस लगाए एक्ट्रेस सिंपल लुक में दिखी। वहीं आराध्या को व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने देखा गया। व्हाइट हेयर बैंड के साथ पोनीटेल बांधे आराध्या काफी प्यारी लग रही थी। बता दें कि इससे पहले ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन को अभिषेक के साथ दुबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो तीनों एक बस में चढ़ते दिखे थे। वीडियो में पहले अभिषेक दिखाई देते हैं, फिर उनके पीछे ऐश्वर्या और आराध्या भी चल कर नजर आए। तलाक के अफवाहों के बीच कपल को यूं साथ में देख अब फैंस अंदाजा लगा रहे थे कि दोनों की मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक है। तो ही दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की एक वीडियो ने तलाक की खबरों को और हवा दी है। पावर कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जैसे दावे पिछले कई दिनों से किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले अभिषेक ने एक तलाक के पोस्ट को लाइक किया था, जिसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई थी। अब अभिषेक बच्चन को मुंबई के जुहू में स्पॉट किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनकी वेडिंग रिंग ने खींचा, जो कि उनकी उंगली से नदारद थी। अभिषेक की उंगली से वेडिंग रिंग का नदारद होना फैंस को हजम नहीं हो रहा। बता दें कि कई मौकों पर ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन से अलग थलग देखा गया। आनंद अम्बानी की शादी में भी वो अभिषेक अलग अलग पहुंचे थे। जहां ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ शादी में पहुंची थी, तो वहीं अभिषेक अपनी फैमिली के साथ फंक्शन का हिस्सा बने थे। ऐसे में कपल के तलाक की अफवाहों को और तूल मिल गया, लेकिन अब दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से 2007 में शादी की थी। शादी के 4 साल बाद यानी 2011 उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया। अब एक तरफ इतने महीनों बाद ऐश्वर्या का अपने ससुराल जलसा पहुंचना, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन का बिना वेडिंग रिंग के स्पॉट होना, दोनों अलग अलग खबरों को हवा दे रहे हैं। ऐसे में सच क्या है ये तो बच्चन फैमिली ही जाने। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरों के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।